शांति समिति की बैठक में आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए कहां बिना अनुमति ना करें देवी स्थापना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विदिशा जिले के पठारी में पुलिस थाना परिषद में शांति समिति की बैठक तहसीलदार अभिषेक पांडे एवं टीआई बबीता सिंह चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में तहसीलदार अभिषेक पांडे एवं टीआई बबीता चौधरी ने नवदुर्गा पर विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए मनाने के निर्देश दिए। तहसीलदार अभिषेक पांडे ने कहा कि बिना अनुमति की देवी स्थापना न करें, देवी स्थापना के लिए अनुमति लेना अति आवश्यक है। वहीं टीआई बबीता सिंह ने कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रम बिना अनुमति न हो, मुख्य मार्ग पर आयोजन न किए जाएं, पंडाल 10x10 का होना चाहिए, इससे अधिक न हो, विद्युत कनेक्शन में बिजली का विशेष ध्यान रखा जाए, कहीं कटे तारों का उपयोग न हो जिससे करंट लगने का डर हो, कोलाहल अधिनियम का पालन हो, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे एवं लाउड स्पीकर ना बजाया जाए। उन्होंने नवरात्र पर दशहरा चल समारोह आदि को लेकर दुर्गा स्थापना समितियां और गणमान्य नागरिकों की मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए व्यवस्थाओं को लेकर सुझाव मांगे और शांतिपूर्ण ढंग से कानून का पालन करते हुए आयोजनों की अपील की। बैठक में दशहरा चल समारोह रात्रि 12 बजे तक झांकियां का विसर्जन कर दिया जाए। उन्होंने डीजे संचालकों को निश्चित सीमा में ही डीजे का संचालन करने की सलाह दी, जिसके लिए सारे आवेदन एकत्रित कर पुलिस थाने में देने के बाद एसटीएम कार्यालय में जमा करा के अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने झांकी समिति के सदस्यों से कहा कि विसर्जन के दौरान छोटे छोटे बच्चों को नदी के आसपास ना ले जाएं। बैठक में उप निरीक्षक सती, जनप्रतिनिधि एवं पत्रकार नागरिक मौजूद रहे। विदिशा से आशीष सहेली की रिपोर्ट। थाना पटारी क्षेत्र में थाना पुलिस द्वारा 2 चेक पोस्ट, एक SST और एक FST का लगाया गया है। SST का स्थायी चेक पोस्ट लगाया गया है जो कि खुरई रोड पर जाजपोन में अंत कुआं पर लगाया गया है। इसमें एक ASI और 2 आरक्षक 24 घंटे और 2 सिविल के स्टेट लेवल के अधिकारी लगे हुए हैं और यहाँ पर लगातार मादक पदार्थों का आवागमन, द्रव्य पर रोक और इसी प्रकार की अन्य अनैतिक गतिविधियों को रोकथाम के लिए वाहन चेकिंग लगातार की जाती रही है। और दूसरा जो हमारा एक चेक पोस्ट है वो एक अस्थायी चेक पोस्ट है जिसे SFT बोला जाता है, जिसमें भी एक SI और 2 आरक्षक लगे हुए हैं। यह हमारे जो 70 गाँव के प्रत्येक ग्राम में जाकर वहाँ की सरकारी संस्थाओं पर जो पोस्टर, बैनर और जो लेखन दीवार पर लेखन कार्य किया गया है उनको विद्रूपीकरण करने का कार्य उन लोगों द्वारा किया जा रहा है। लगातार मेरे द्वारा औचक निरीक्षण करके दोनों को ही मॉनिटरिंग किया जा रहा है, दोनों ही चेक पॉइंटों को लगातार वहाँ पर मॉनिटरिंग करके अधिकारियों को उसकी रिपोर्ट से अवगत कराया जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।